ये चमत्कारी बालाजी है। हर आदमी अब की इच्छा पूर्ण हुए, कम से कम 100-150 साल पुराना मंदिर है वो, कि वो कुओं को बालाजी है। वो छोटी सी मूर्ति ही मंगलवार ने कहे की 70 साल से बराबर जागरण हुआ। चमत्कारिक मूर्ति है, जो भी मनोकामना यहाँ से मांगते हैं लोग उनकी पूरी हो जाती है। मंगल हारी प्रभु सदसरते हजूर बिहारी। अब कोई भी नहीं रोक पाएगा कंप्यूटर अनुदेशक बनने से। फ्लिकी लाया है QR कोड की शानदार ट्रिक। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप और ऑनलाइन पढ़ें। राम राम साथियों, मेरा नाम है महेंद्र और थे देख रहे हो जलको सिकर। जलको सिकर पर आपने बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ बालाजी महाराज का मंदिर में, जो नगर परिषद के सामने है, जो साल स्टैंड पर स्थित है। बहुत पुराना अठे मंदिर बनेडो है, काफी पुराना खूबसूरत मंदिर है। तो आप मान चला और महाराज जी बात करें की कहानी है मंदिर के पीछे की। जी, आपने जो मंदिर है वो एक पूरा एकदम परिचित जो कतोक तो पुराना मंदिर है और कदम बसेड़ो है और अठे जी आपने जात्री जी कथा कमी ही और भी के बाद मेड़ो वगैरह करना मंदिर के की जहाँ विक्रम से बाबा की टाइम तो है। बहुत पुराना मंदिर है, कम से कम 100-150 साल पुराना मंदिर है वो। लेकिन इको जीवन उदारे के की जहाँ 85 साल में ही बाला गए दर्शनार्थी है जगह खूब आवाड़ी। मंगलवार पूर्णिमा शनिवार तो भीड़ है और मंगलवार ने कहे की 70 साल से बराबर जागरण हुए। रात्रि को रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक जागरण रहे और जागरण में मोला वाला बाहर का आदमी आता जाता रहे। और शिवरात्रि हनुमान जयंती जन्माष्टमी हमें विशाल श्रृंगार हुए जागरण हुए। 150 साल पुराना तो मंदिर है वो। लोग बतावे कि इकराम से बाबो हो जी टाइम पर के कि जहाँ अरे दरगाह के मायने कोई कुओं करवायो भी कुओं को के कि जहाँ बालाजी है तो 150 साल पुराना मंदिर तो है ही है। कतो पुराना है कुओं, वो भी पुराना है, 150 साल पुराना कुआ है। मोहल्लावासी बाहर का आदमी सबके एक ही जहाँ दर्शन कर बना हुआ है। तो कतिक साल में सेवा दे रहे हो? मैं 35 साल से सेवा दे रही हूँ। 87 से मैं मंदिर में आयो, 35 साल का 35 साल से बराबर सेवा चलती रहे बाबा की। तो महाराज जी हर मंदिर के पीछे बस पाए की एक खानी हुए कोई ना कोई या स्पेशल खानी हुआ की बात। तो आपने जो सालासर बालाजी है सालासर स्टैंड पर बालाजी है तो बस का पीछे बसपा की खानी है। बसपा की पीछे आ है कि मोलावासी रोर बतावे कि वो कुओं को बालाजी है और छोटी सी मूर्ति ही बसपी के बाद के मान के एक को बड़ो विस्तार हुई हो। कोई मुरार का नाम का कोई बाणिया है कलकत्ता में रहे भाई कोई उद्धार करवायो। पचवी के बाद के माने मोलाला दूसरे मोलाला हो संघो सहयोग सार्वजनिक मंदिर है और सब लोग सब समाज का लोग ही कमान आवे है जावे है। दक्षिण मुखी बालाजी है और एक ही चमत्कारी बालाजी है। दक्षिण मुखी और कोनी के बालाजी वही है दक्षिण मुखी। हर आदमी अब की इच्छा पूर्ण हुए। मैं भी 35 साल से बाबा की सेवा कर रही हूँ, मेरी पूरी कार्य सिद्ध हुई बराबर और आबाला भक्ता का भी सब कार्य सिद्ध हुए। 1995 से यहाँ पर हूँ और पहले मैं क्या यहाँ पर जल पिलाता था लोगों को, खूब जल सेवा की यहाँ पे। पहले प्याऊ होती थी यहाँ पे, उस टाइम पर क्या होता था कि जल की व्यवस्था नहीं होती थी। उस टाइम मैं जल की यहाँ व्यवस्था करता था। ऊंच कूच के दूर दूर से पानी लाते थे और खूब दर्शनार्थियों को पानी पिलाते थे। आने जाने वाले यहाँ जो राहगीर थे उनको भी पानी पिलाते थे। कुआ ये यहाँ ये दरगाह है पास नहीं, उसमें था ये कुआ और बताते हैं कि उसी का ये बालाजी था। हाँ, कुआ का बालाजी बता रहे हैं इसको। मैं क्या है फिर धीरे धीरे इसकी बालाजी की पोशाक पहले हम दूसरे से बनाते थे, फिर धीरे धीरे मैं खुद सीख गया पोशाक बनाना। और अब मैं हर जैसे भी कोई भी फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, हनुमान जयंती शिवरात्रि पोष बड़े का प्रोग्राम रामनवमी, इन पे पोशाक सजाता हूँ बालाजी की। और चमत्कारिक मूर्ति है, जो भी मनोकामना यहाँ से मांगते हैं लोग उनकी पूरी हो जाती है। जहाँ थे बता रहे कि मैं पानी ऊंच लेता तो पहले पानी क्या काटता कुआ का मान? पहले क्या था कि मैं पानी चढ़स से निकालते थे, लेकिन मैं जिस टाइम आ गया था उस टाइम पे क्या है ये नल आ गई थी। 1995 की बात बता रहा हूँ। हाँ, तो नल थी, मोटर तो नहीं थी उस टाइम। तो नल से क्या है जगह जगह से किसी से कहीं से 2 घड़े किसी से 5 घड़े ऐसे ला ला के उसमें कुओं में पूर्ति करते थे जल की। और फिर जल में वो झाल होती थी, उन झालों को भरते थे। भर करके फिर सुबह 8 बजे लगा लेते थे, शाम तक आने वाले जो राहगीर थे उनको पानी पिलाते थे। और फिर धीरे 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 वो अब जमाना बदल गया, वाटर कूलर का समय आ गया तो वो प्याऊ बंद हो गई। अब वाटर कूलर लगा रखा है यहाँ पे।
मंगल भवन मंगल हारी रवऊ सो दशरथ हजूर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कबीसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार बजरंगबली का प्रताप बहुत ही अच्छा है, इनकी जो सेवा करता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और सबका संकट हरने वाले हैं राम दूत हैं पवन पुत्र हैं, इनके अनेक नाम हैं जो इनके हमेशा ध्यान धरता है और ये कलयुग के देवता हैं, जो भी इनका ध्यान करेगा कलयुग में बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ये देखो साहब ये शिव परिवार है, इसमें शिव जी है, नांदिया जी होते हैं और माँ पार्वती, कार्तिकेय भगवान और गणेश जी, ये पांच मिलकर के शिव परिवार कहलाता है। यहाँ पर क्या है कि सुबह भक्तगण आते हैं और शिव जी को दूध है, दही है, घी है, शहद है, गंगा जल है, चीनी से अभिषेक करते हैं, जिलो पत्र चढ़ाते हैं और मनोकामना मांगते हैं और जो जिलो पत्र आदि पुष्प चढ़ाता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये महाकालेश्वर है और सिद्धि के दाता है, त्र्यंबकेश्वर भगवान है और ये जो सफेद शिवलिंग है वो नर्मदेश्वर महादेव होता है, उनकी पूजा करने से शांति मिलती है मन को और दिव्य पत्र चढ़ाने से आत्मा में पुण्य प्राप्त होता है। तो सफेद पुष्प शिव जी को अति प्रिय है और दिल पुत्र से संकट कट जाते हैं और ये आग धतूरा और भांग उनको अति प्रिय है। भाई मेरा नाम हंसराज है और मैं ज्यादा तो गुण डेढ़ दो साल से आ रहे हूँ और अठे भगवान के मंदिर में बैठकर बड़े शांति मिले और सद्बुद्धि भी मिला है, कोई भी गलत काम बंद करवा दिया भगवान, बहुत परिवर्तन है एकदम बिल्कुल, मैं क्रोध भी बहुत ज्यादा आता है एकदम बिल्कुल एकदम शांत है। तो साथियों आज को वीडियो थन क्या को लगे थे थारी राय कमेंट में जरूर बता दियो और साथ ही साथ अगर चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो और सागे जो बेल आइकन है भी कभी झंझनाट कर दियो। तो आप मिलेगा कोई यहाँ कहीं चौकसा मंदिर के मान और खबरें के सागे तो थे चैनल पर नया तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो। तब तक के लिए राम राम सा, जय सिक्कर, जय राजस्थान, जय हिंद।